बीते 5 महीनों में गाजा में युद्ध भड़कने के बाद से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। दोनों एक दूसरे पर जवाबी हमला कर रहे हैं। इससे लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों से गाजा में युद्ध से पूरे क्षेत्र में युद्ध बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने हाल ही में उत्तरी इसराइल में मेरोन बेस पर बड़ी गोलीबारी की है। इसके कुछ समय बाद ही दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में इसराइल ने हमले किए। ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उसने कई लॉन्चरों से भारी मात्रा में रॉकेट दागकर मेरोन एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया है। इसराइली सेना की माने तो दक्षिणी लेबनान से इसराइल की तरफ लगभग 40 रॉकेट दागे गए थे। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसके युद्धक विमानों ने जिबचिट, मंसूरी और क्षेत्र के अन्य गांवों में हिजबुल्ला के एक सैन्य परिसर और बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इजरायल ने सोमवार को पूर्वी लेबनान में सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर बालबेक के पास बुडे गांव पर हमला किया। अक्टूबर में शुरू हुए युद्ध के बाद ये पहली बार था जब हिजबुल्ला के गढ़ बेका घाटी पर हमला किया गया था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कम से कम 2 हिजबुल्ला सदस्य मारे गए। दूसरी तरफ हिजबुल्ला का दावा है कि उसने बालबेक में किए गए हमले के जवाब में इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक सेना स्टेशन पर 60 रॉकेट दागे। मारे गए लड़ाकों में से एक के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान हिजबुल्ला नेता हसन फदल्ला ने हमले के लिए इजराइल की आलोचना की। उन्होंने टेलीविजन संबोधन में कहा कि ये जायोनी हमला हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि यह हमारे दृढ़ संकल्प को बढ़ाएगा। इजराइल पर कई तरह के दबाव के बावजूद ये युद्ध नहीं रुक रहा है और इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट के बयान को सुने तो ऐसा लगता है कि आगे भी युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं है। गैलेंट ने रविवार को कहा है कि अगर गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन भी जाती है तो भी हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी।